अब हम बात करते हैं कोक्सीडाइनिया में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसका कैसे पता किया जाता है, और सबसे ज्यादा रिस्क किसमें, सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें देखी जाती है। तो कोक्सीडाइनिया के लक्षणों के बारे में हम बात करते हैं। तो जो टेल बोन वाला हिस्सा है, कॉकिक्स वाला हिस्सा है, वहां पेशेंट को दर्द होता है, एक शूटिंग सा पेन महसूस होता है, बहुत तेज का दर्द होता है। साथ ही जब पेशेंट बैठ के खड़ा होता है तो बहुत तेज का दर्द होता है उस हिस्से में, या फिर घंटों जब पेशेंट बैठा रहता है तब महसूस नहीं होता, जब जैसे ही खड़ा होता है घंटों बैठने के बाद तो तेज का शूटिंग का पेन होता है उस कॉकिक्स वाले पॉइंट पे। साथ ही साथ जो मूवमेंट है स्टूल का, यूरिन का मूवमेंट है जो होना चाहिए अच्छे से प्रॉपर वो नहीं होता, वहां दर्द होता है पेशेंट को जब भी पेशेंट का बोवल मूवमेंट होता है। साथ ही साथ सेक्स में दिक्कत आती है, पेशेंट को दर्द होता है, साथ ही साथ कॉकिक्स वाले हिस्से पे सूजन आ जाती है, और दर्द के साथ साथ झंझनाहट, सूनापन, सुई चुभ रही है, पिन चुभ रही है, या फिर ऐसा लगता है बहुत तेज की सुई चुभ रही है कॉकिक्स वाले हिस्से में, वैसा महसूस होता है। और कभी कभी जो इसका दर्द है वो पूरे पैरों तक आना शुरू हो जाता है, पैरों तक, उंगलियों तक झंझनाहट, सूनापन महसूस होता है, सुई चुभती, चींटी चलती है, ऐसा लगता है पैरों में। साथ ही साथ ओवर ब्लैडर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, मांसपेशियों की कमजोरी हो जाती है, पेशेंट को कोई भी मूवमेंट है, करवट लेना है, उसमें भी दिक्कत आती है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत आती है, उसके बाद सोने में दिक्कत आती है, जो डेली एक्टिविटी है, जो डेली रूटीन है उसमें पेशेंट को दिक्कत आती है, बेंडिंग करना, ड्राइविंग करना, उसमें भी दिक्कत आती है पेशेंट को। और इसका जो दर्द है वो कमर पे भी आने शुरू हो जाता है, यानी शियाटिका का भी दर्द शुरू हो सकता है, यानी कमर के पीछे से लेके, कूल्हे से लेके पीछे, जांघों से लेके उंगलियों तक दर्द आता है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा पेशेंट को बैक पेन की दिक्कत रहती है, सेवियर बैक पेन की दिक्कत आ जाती है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की दिक्कत, लूज मोशन होते हैं पेशेंट को, स्टूल में ब्लड आने लगता है। साथ ही साथ कभी कभी बहुत ज्यादा क्रैम्स आने लगते हैं पेल्विस वाले हिस्से में, दर्द इतना तेज का होता है कि पेशेंट को सहन ही नहीं होता, और पेशेंट को आगे झुकने में भी, पीछे ले जाने में भी दिक्कत आती है, यानी मूवमेंट में भी दिक्कत आती है। साथ ही साथ वेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, एक गर्म सा महसूस होता है जब पेशेंट यूरिन पास करता है, या फिर जो कॉकिक्स वाला पॉइंट है जहाँ दर्द है वहां कभी कभी तेज सा शूटिंग पेन के साथ साथ बहुत ज्यादा गर्म भी महसूस होता है, वो हिस्सा लाल हो जाता है कॉकिक्स वाला हिस्सा। साथ ही साथ रात को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है पेशेंट को, यूरिन फ्लो करने में भी दिक्कत आती है पेशेंट को, एक शार्प पेन महसूस होता है जिस वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होती है, डिप्रेशन में चले जाता है पेशेंट, नींद सही से नहीं हो पाती, पूरे कूल्हों में दर्द आने लगता है, कमर का दर्द होने लगता है पेशेंट को, लोअर बैक पेन बहुत तेज का होता है, और ये सब दिक्कत देखने को मिलती है। अब कॉक्सीडाइनिया का पता कैसे किया जाता है? हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन से पता किया जाता है, आपके डॉक्टर आपकी पास्ट हिस्ट्री पूछते हैं कि पहले आपको कोई रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हुई है, कोई भी कमर की दर्द की दिक्कत, या कोई भी फ्रैक्चर, ट्रॉमा, ट्यूमर, कोई भी ऐसी कोई दिक्कत हुई है, फिर आपकी रिसेंट हिस्ट्री पूछते हैं कि आपको भी कोई कमर का दर्द है, कोई दिक्कत है रीढ़ की हड्डी की, फिर आपका मूवमेंट चेक करते हैं, आपको वॉकिंग कराते हैं, आपको थोड़ा चलाते हैं, आपका गेट पैटर्न चेक करते हैं, आपको बैठा के खड़ा करते हैं, मूवमेंट कराते हैं, फिर आपका बैक का मूवमेंट चेक करते हैं, जहां पर दर्द है वहां पॉइंट पे दबा के महसूस करते हैं, वहां हिस्से में देखते हैं कहीं दर्द, सूजन, टाइटनेस तो नहीं है, वो सब चेक करते हैं। साथ ही साथ लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन से, यानी एक ड्रग है उसका लोकल एनेस्थेसिया देके भी पता किया जाता है कि कॉकिक्स में सबसे ज्यादा दर्द कहाँ है और रिलीफ कहाँ हुआ है, इससे भी पता किया जाता है। फिर कुछ टेस्ट है जैसे एक्सरे से पता किया जाता है फ्रैक्चर, ट्रॉमा, डिसलोकेशन का, एमआरआई से पता किया जाता है कि कोई ट्यूमर वगैरह है तो नहीं, और सीटी स्कैन से भी पता किया जाता है फ्रैक्चर है सैक्रम के हिस्से में, कॉकिक्स के हिस्से में, या रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम, तो इन सब से पता किया जाता है। अब कॉक्सीडाइनिया का रिस्क सबसे ज्यादा किस में है? कॉक्सीडाइनिया का रिस्क महिलाओं में और बच्चों में, यानी यंग जो एडल्ट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, यानी जो महिला बहुत ज्यादा मोटापा है, जिनका ओबेस जो है, ओवरवेट जो है, उनको सबसे ज्यादा खतरा है, 2 गुना ज्यादा खतरा है उन लोगों को, और पुरुषों के हिसाब से महिलाओं को 5 गुना कॉक्सीडाइनिया की दिक्कत देखने को मिलती है, यानी कॉक्सीडाइनिया की दिक्कत महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है पुरुषों के कंपेयर करें तो। और उसके बाद क्योंकि चाइल्ड बर्थ होता है तब कॉक्सीडाइनिया की दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए ये भी एक कारण है सबसे ज्यादा महिलाओं में देखने को मिलता है इसका। और इसके साथ जिनको ट्यूमर, कोई ट्रॉमा हो रखा है, फ्रैक्चर हो रखा है कमर का, उनको ही सबसे ज्यादा रिस्क है कॉक्सीडाइना का। जो महिलाएं
जो प्रेग्नेंट हो गई है या जो उन्होंने बेबी बर्थ कर दिया है, डिलीवरी हो गई है, तो उनको भी कॉक्सीडायना की दिक्कत बार बार उठ सकता है, यानी ठीक हो सकता है, बार बार आ सकता है। साथ ही साथ जिनका वेट बहुत ज्यादा, एक्स्ट्रा वेट जिनका होता है, जो लोग ओबेस होते हैं, उनको ही दिक्कत दिखने को मिलती है। जिनकी कोई कॉकिक्स वाले हिस्से पे, सैक्रम के हिस्से में रीढ़ की हड्डी की कोई फ्रैक्चर हो गया या सर्जरी हुई है किसी की, तो उस वजह से भी कॉक्सीडायना की दिक्कत हो सकती है। या फिर जिनका वेट लॉस हो गया बहुत ज्यादा, उनको भी कॉक्सीडायना के रिस्क सबसे ज्यादा है। तो अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कॉक्सीडायना के इलाज के बारे में, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, एक्सरसाइजेस के बारे में, और आप घर पे इसका कैसे ध्यान रख सकते हैं।